से पैरेट का ब्रीडिंग बॉक्स है। ये बेसिकली कहलाएगा रिंग नेक का। जी नुमान, ये पहाड़ी का ब्रीडिंग बॉक्स है। जी नुमान, ये जो मैं देख रहा हूँ ये ग्रे पैरेट का ब्रीडिंग बॉक्स है। ये ग्रे पैरेट का ब्रीडिंग बॉक्स है। मकाओ का एक बड़ा जाइंट ब्रीडिंग बॉक्स है, इसके बारे में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप लोग देख रहे हैं जमशेद आसमी इंफॉर्मेटिव चैनल। मैं हूं आपका मेज़बान जहाज़िब जमशेद। प्रोग्राम को शुरू करते हैं अल्लाह के बाबरकत नाम से। बाकी तमाम हमारे गैर मुस्लिम व्यूअर्स को हेलो और रिस्पेक्ट। एक बार फिर से आप व्यूअर्स की खिदमत में एक प्रोग्राम के साथ पेश हैं। आज हम एक ऐसे जगह पर आए हैं जहाँ पर आपको पैरट्स के और बर्ड्स के ब्रीडिंग बॉक्स मिलेंगे। तो यहाँ पर हमारे बहुत सारे शायकीन दोस्त हमसे रिक्वेस्ट कर रहे थे कि आप लोग किसी ऐसी जगह पर भी विज़िट करें, आप ऐसी जगह पर दिखाएँ जहाँ से हमें ब्रीडिंग बॉक्स मिल सके। तो आज खासकर अपने व्यूअर्स की फरमाइश पे और आप लोगों के लिए यहाँ पर आए हैं। यहाँ के ऑनर से बात करेंगे, देखेंगे कि ये बॉक्स में किस क्वालिटी की लकड़ी लगा रहे हैं और इसकी क्या प्राइस हैं। तो आइए आज आपको अपडेट करते हैं, यहाँ के ऑनर से मुलाकात करते हैं। आइए नाज़रीन हमारे साथ हैं, इनका देखते हैं किस तरीके से तैयार कर रहे हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि लकड़ी की कटिंग हो रही है अभी। जी नुमान, हमारे नाज़रीन को बताएं कि अभी जो बॉक्स तैयार कर रहे हैं, कौन से पैरेट का बॉक्स तैयार कर रहे हैं? ये तैयार कर रहे हैं हम रिंग नेक का। रिंग नेक का बॉक्स तैयार हो रहा है। जी बिल्कुल। तो इस वक्त ये बिल्कुल साइज़ को नाप रहे हैं और बिल्कुल एक्यूरेट रखे लकड़ी फिक्स कर रहे हैं ताकि बिल्कुल एक्यूरेट साइज़ में कट सके लकड़ी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा नमान, ये बताइए यहाँ पे ग्लू वगैरह नहीं लगाते? नहीं, इसमें ग्लू हम यूज़ नहीं करते। काफ़ी अच्छा ग्लू से अच्छा ही सही बन सकता है। एक ही लगा दो।
तो प्रिंटिंग बॉक्स की इस वक्त गुलाई ली जा रही है ताकि इसमें सुराख किया जाए और ताकि बर्ड जो है इसके अंदर चला जाए जी। तो यह इसमें भी बिल्कुल निशान लगा दिया। तो इस तरीके से इसमें सुराख होता है जी, इस तरीके से सुराख होता है। और अभी तकरीबन रेडी हो गया है, इसके साइडों के डोर लगेंगे और ये बिल्कुल तैयार है। बिल्कुल तैयार हो जाएगा ये। तो यहाँ के ऑनर हमारे साथ मौजूद है, आइए इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं? खैरियत से हैं, अल्लाह करम है। सबसे पहले तो हमारे नाज़रीन को अपना नाम बताते हैं, अपनी सेल्फ को इंट्रोड्यूस करा दें। नौमान असगर नाम है मेरा, और जो है मैं एक्सपीरियंस है मेरा तकरीबन 3-4 साल से इस फील्ड में। मैंने कहा चलें बॉक्स के हवाले से जो है कि आपको बुला लूं। अच्छा, तो ये बताएं कि आपने हमें बुलाया तो आज आप हमारे व्यूवर्स को कौन कौन से पैरट्स के बर्ड्स के ब्रीडिंग बॉक्स दिखा रहे हैं? मैं आपको दिखाऊंगा बिग बर्ड्स के। सबसे पहले तो आपको रिंग नेक बॉक्स दिखाऊंगा, ठीक है। उसमें जो है कि हमने क्वालिटी यूज़ की है वो हाई क्वालिटी यूज़ की है, ठीक है। हाई क्वालिटी यूज़ की है ताकि अगर बर्ड्स कुतर भी दे तो इतना इसे इस बॉक्स को हमने इतनी हाई क्वालिटी दी है कि बॉक्स कुतरेगा नहीं ये। अच्छा, जो मार्केट में जो बॉक्सेस मिलते हैं हमें उसमें और जो आप तैयार कर रहे हैं यहाँ पर, उसमें कितनी क्वालिटी में कितना फ़र्क है, डिफरेंस कितना? डिफरेंस उसमें तो काफ़ी है, ज़्यादा अच्छी क्वालिटी का है। तो मज़ीद इससे अच्छा आगे चलकर इंशाल्लाह मज़ीद जो है इसको अच्छा करने का इरादा। ये भी बताएं कि लकड़ी में कितने सूत आपने इस्तेमाल करी है, कौन कितने सूत की लकड़ी इस्तेमाल करी है इसमें? इसमें 5 सूत की लकड़ी मैंने इस्तेमाल की है और काफ़ी अच्छी लकड़ी है, और प्योर कीकर में मैंने इस्तेमाल किया है, ये प्योर कीकर। चलें अब व्यूवर्स को आपके ब्रीडिंग बॉक्स जो आपने तैयार किया वो दिखाते हैं, ठीक है जी। आ जाए आपको मैं बॉक्स दिखाता हूँ। तो इस वक्त हमारे नाज़रीन देख रहे हैं ये कौन से पैरेट का ब्रीडिंग बॉक्स है? ये बेसिकली कहलाएगा रिंग नेक का, ठीक है। रिंग नेक में साइज़ जो है इसमें 12x12 18 इंच, 18 इंच की लंबाई है, ठीक है, और चौड़ाई इसकी 12 है और वैसे भी 12 है, ठीक है। तो ये रिंग नेक का ब्रीडिंग बॉक्स है जी, रिंग नेक का ब्रीडिंग बॉक्स है। इसमें हमने जो है ऑप्शन 2 रखे हैं, अगर आप लगाना चाहें ये देखिएगा, ये हमने। अच्छा, आपने इसके डोर जो हैं दो साइड पे इसके डोर दिए हैं? डोर दिए हैं, ठीक है। आपके तमाम बॉक्सेस में डबल साइड डोर हैं? जी, तमाम बॉक्सेस में डबल साइड डोर हैं जी। तो यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि इस ब्रीडिंग बॉक्स के अंदर दो डोर्स मौजूद हैं, तो आपने दो डोर लगाए? जी, दो डोर लगाए हैं। दो डोर लगाने का मकसद यही है, कुछ केजीस ऐसे होते हैं जिनको लेफ़्ट साइड पे लगाना पड़ता है, लेफ़्ट साइड पे फिर उनके पास जगह नहीं होती, स्पेस नहीं होती, ठीक है। इस वजह से मैंने इनको स्पेस दी है, डबल डोर दिए हैं। अच्छा, आपने सीधे ताकि आराम से अगर कोई कॉर्नर पे भी लगाता है तो दूसरे साइड से हमें एडवांटेज ये मिलता है कि हम खोल के चेक कर सकते हैं एग्स वगैरह। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और इसमें सीढ़ी भी देखिएगा, काफ़ी हैवी मैंने सीढ़ी यूज़ की है इसमें, ये देखिएगा। अच्छा, सीढ़ी में आपने ये लोहे की सीढ़ी लगाई है इसमें? जी, लोहे की सीढ़ी लगाई है मैंने इसमें, काफ़ी अच्छी क्वालिटी की यूज़ की है मैंने इसमें, काफ़ी अच्छा मटेरियल मैंने इसमें यूज़ किया है जी। ये बताएं, इसका आइडिया देखा जाए तो इसका वेट कितना होगा तकरीबन? वेट तकरीबन होगा 10 केजी से लेकर
15 kg तक होगा वेट। अच्छा 10 kg से 15 kg के दरमियान इसका वेट है, तो इसको उठा के देखते हैं, बहुत भारी है। तो ये बताएं, ये इतना भारी बॉक्स है तो अगर हम किसी कम गेज के पिंजरे में लगाते हैं तो क्या ये एडजस्ट हो जाता है? यानी अगर हम किसी वॉल पे भी टांगते हैं पिंजरा और उसमें लगाते हैं तो क्या ये पिंजरा जो है बर्दाश्त कर लेगा इतने भारी? जी जी इंशाल्लाह बर्दाश्त कर लेगा, काफ़ी बर्दाश्त कर लेगा, ये डैमेज तो नहीं होगा? डैमेज नहीं होगा इंशाल्लाह। जी नमान, इस बॉक्स की प्राइस कितनी होगी? ये अगर एक दो चाहिए बॉक्स, ये तीन चाहिए तो आप MD ट्रेडर से आप कांटेक्ट करिएगा। अगर बल्क क्वांटिटी में चाहिए तो आप रिजनेबल प्राइस में मुझसे ले सकते हैं। ठीक है। अच्छा आप कौन से बॉक्सेस दिखाने व्यूवर्स को? अब मैं बॉक्सेस दिखाऊंगा पहाड़ी के, पहाड़ी के जो राह कहलाया जाता है। जी नुमान, ये पहाड़ी का ब्रीडिंग बॉक्स है? जी पहाड़ी का ब्रीडिंग बॉक्स है। इसकी लंबाई है 12, ठीक है, लंबाई इसकी 22 है और चौड़ाई जो है इसकी 12 है, और वैसे भी 12 है, 12 बाई 12। अच्छा 12 बाई 12 है और इसकी जो हाइट है वो 22 है, वो 22 है। अच्छा तो ये बताएं कि इसमें भी डबल साइड डोर दिए हैं आपने? इसमें भी डबल साइड डोर दिए हैं, इसमें भी वही है। अगर कोई कैपेसिटी अगर बिल्कुल कॉर्नर पर रखें तो स्पेस ना हो, स्पेस ना होने की वजह से इसमें भी डबल डोर दिए गए हैं। जी इसके बाद कौन सा बॉक्स दिखाना है हमारे व्यूवर्स को? इसके बाद जो है कि आपको ग्रे पैरट्स का ब्रीडिंग बॉक्स दिखाऊंगा मैं आपको। चलिए नज़र डालते हैं व्यूवर्स को दिखाते हैं। जी आ जाए। जी नमान, ये जो मैं देख रहा हूँ ये ग्रे पैरट का ब्रीडिंग बॉक्स है? जी ये ग्रे पैरट का ब्रीडिंग बॉक्स है। लकड़ी ज़्यादा इस्तेमाल हुई है? जी इसमें लकड़ी ज़्यादा इस्तेमाल हुई है, ये 22 बाई 22 बाई 12। अच्छा 22 है और ये 12 का है? ये 12 का है, ठीक है। इसमें भी डबल डोर दिया गया है और सीढ़ी भी इसमें काफ़ी अच्छी क्वालिटी की इसमें भी दी गई है। ग्रे पैरेट के हिसाब से इसमें सीढ़ी लगाई है? जी 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 बिल्कुल। अच्छा इसकी क्वालिटी थोड़ी सी डिफाइन करें। क्वालिटी इसकी भी काफ़ी अच्छी है। मोटाई पे अगर बात की जाए तो मोटाई इसकी 0.5 इंची से कम है और 0.5 इंची से ज़्यादा है। अच्छा इसका ये बताएं कि इसका वेट कितना होगा? इसका वेट तकरीबन 15 से अबव होगा, 20 kg से भी जा सकता है। 20 kg से भी ऊपर जा सकता है? 20 kg जा सकता है। अच्छा ये जो हम बॉक्स देख रहे हैं तो सिंपल है, अगर कोई डिमांड करता है कि कलरफुल चाहिए ब्यूटी के लिए तो क्या कलर वगैरह भी करवा के आप दे सकते हैं व्यूवर्स को? जी कलर करवा के भी दे सकते हैं, उसके अलग चार्जेस होंगे, कलर करवा के भी दे सकते हैं। अच्छा बॉक्सेस पे आप कलर करवा के भी दे सकते हैं? जी कलर करवा के भी दे सकते हैं। जी नुमान आप कौन से दिखाना है ब्रीडिंग बॉक्स? अब दिखाएंगे आपको मकाओ का बॉक्स। मकाओ का बॉक्स भी आपने तैयार किया है? जी नज़र डालते हैं व्यूवर्स को दिखाते हैं। चलें आ जाए। जी व्यूवर्स, तो आप लोग देख सकते हैं कि ये मकाओ का एक बड़ा जाइंट ब्रीडिंग बॉक्सेस के बारे में मालूम करते हैं नुमान साहब से। जी नुमान बताएं इसकी क्वालिटी के बारे में बताएं, सबसे पहले तो व्यूवर्स को उसका साइज़ मेंशन करेंगे, इसका साइज़ कितना है? साइज़ जो है 36 बाई 36 बाई 32 इसका साइज़ है और काफ़ी अच्छी क्वालिटी में है, ठीक है। हाँ इसकी भी जो है कि डबल डोर यूज़ किया गया है और काफ़ी अच्छी क्वालिटी में है। जी इसको खोल के दिखाइएगा इसके डोर्स को। ये देखिएगा एक डोर इसमें यहाँ पर है और सेकंड डोर इसका है, सेकंड डोर ये है, ठीक है। तो इसमें भी हमें डबल डोर्स मिलते हैं? जी डबल डोर्स मिलते हैं, ठीक है। और इसमें जो सीढ़ी यूज़ की गई है अच्छी क्वालिटी की यूज़ की गई है, या जी नमान साहब ये बताएं कि ये बॉक्स जो हम देख रहे हैं माशाल्लाह काफ़ी बड़ा बॉक्स है, तो ये बताएं इसका वेट कितना होगा? वेट इसका होगा 30 kg से अबव ही होगा। 30 kg से अबव? 30 kg से अबव होगा। जी नमान साहब आपके ब्रीडिंग बॉक्स देखे जो आपने यहाँ पे तैयार किए तो मुझे तो अच्छे लगे क्योंकि भारी थे काफ़ी। तो ये बताएं कि अगर हम इसको मार्केट के बॉक्सों से डिफ्रेंशिएट करें यानी कंपेयर करें तो ये बताएं कि मार्केट के बॉक्स में और आप जो तैयार कर रहे हैं यहाँ पे जो बॉक्स उनमें इनमें वेट में कितना फ़र्क होगा? इनमें जो वेट का फ़र्क होगा काफ़ी हद तक वेट होगा, इनका जो मार्केट में है वो उनका वेट उसके मुकाबले ज़्यादा ही होगा, कम नहीं होगा। अच्छा लकड़ी की वजह इसमें? जी इसमें लकड़ी जो भारी भरकन यूज़ हुई है वो प्योर कीकर है। प्योर कीकर पे आपने तैयार किए हैं? जी बिल्कुल।
अच्छा, आमतौर पे लकड़ियों में दीमक आ जाती है और लकड़ी को काफ़ी डैमेज कर देती है, लकड़ी को खोखला कर देती है, तो लकड़ी बेकार हो जाती है, तो इसमें दीमक का कोई ख़तरा तो नहीं? दीमक वगैरह इसमें कोई ख़तरा की बात नहीं है, इसमें दीमक की या कुछ ऐसा लग जाए। ये प्योर कीकर वाहिद ऐसी लकड़ी है कि जिसमें आप पानी में भी रखेंगे तो इसको कुछ भी नहीं होगा, या बारिश में भी रखेंगे तो कुछ नहीं होगा। अच्छा, ये आपके अंदाजन आप यहाँ पर तैयार करें तो मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि ये तकरीबन इसकी लाइफ कितनी होगी, कितना टाइम निकाल सकते हैं बॉक्स? तकरीबन काफ़ी लंबी ईयर तक ही चल सकते हैं, यूज़ हो सकते हैं काफ़ी ईयर तक। आई थिंक 10 ईयर से भी अबव तक ये यूज़ हो सकते हैं। अच्छा जी जी नमान, हमने बॉक्स तो दिखा दिए व्यूवर्स को, अब क्योंकि कैमरा तो हम अंदर तक इसमें नहीं दिखा सकते, तो व्यूवर्स ने सीडी नहीं देखी, तो मैं चाहूँगा एक सीडी भी दिखा दें ताकि व्यूवर्स को क्वालिटी का अंदाज़ा हो जाए। जी ये देखिएगा जमशेद भाई, हमने जो सीडी यूज़ की है काफ़ी अच्छी क्वालिटी की यूज़ की है और तकरीबन मोटी वायर यूज़ की है, 10 नंबर की इसमें वायर यूज़ की है, जो आम केजिस में यूज़ होती है वो हमने इसमें वायर यूज़ की है। अच्छा, तो इस क्वालिटी के आपने सीडीज में बॉक्सेस में लगाई? जी बिल्कुल बिल्कुल जी। नमान साहब, ये जो हमने ब्रीडिंग बॉक्स देखे जो आपने तैयार किए, ये बताएं इनकी कॉस्ट कितनी आ रही है? इनकी कॉस्ट जो है मार्केट से, जो मार्केट में प्राइस हैं उस प्राइस से कम ही प्राइस मुझसे मिलेंगे, ठीक है? अच्छा, तो मार्केट प्राइस से कम ही प्राइस में आपके पास? कम ही प्राइस में आपको मिल जाएंगे इंशाल्लाह ताला। अच्छा, ये तो हमने बात कर ली कराची है कि कराची में अगर कोई कांटेक्ट करे तो आके भी ले आ सकता है, अगर कराची से बाहर दीगर शहरों में जैसे लाहौर हो गया, इस्लामाबाद हो गया, वहाँ से अगर आपको कोई कांटेक्ट आते हैं और वो क्वांटिटी में आपसे परचेज करना चाहते हैं, तो क्या ये फैसिलिटी आपके पास मौजूद है? हाँ, फैसिलिटीज़ वो भी अवेलेबल हैं, ठीक है। उसके जो भी कार्गो चार्जेस होंगे वो आपको पे करने पड़ेंगे। अच्छा, यानी जो अगर बल्क में परचेज करते हैं, इस्लामाबाद से कांटेक्ट करते हैं, लाहौर से करते हैं, या पाकिस्तान में कहीं से भी कांटेक्ट करते हैं, तो कार्गो चार्जेस होंगे वो पे करेंगे, बाकी बल्क में आपसे उठा सकते हैं, आप उनको पहुँचवा सकते हैं? जी बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है नमान, तो अपना कॉन्टेक्ट नंबर शेयर करें। जी 0308216996। अच्छा नमान, इसके अलावा अगर कोई एक दो परचेस करना चाहता है, जैसे जिसके पास एक दो पैरेट्स होते हैं, पेयर्स होते हैं, वो परचेस करना चाहता है तो? जी एमडी ट्रेडर्स में हैं हमारे खालिद भाई, बहुत अजीज़ हैं, ठीक है। उनका नंबर है 0313-272-7450। जी नमान, बहुत शुक्रिया, हम उम्मीद करता हूँ व्यूवर्स अगर आपसे कॉन्टेक्ट करेंगे इंशाल्लाह खुश होकर जाएंगे, सेटिस्फाई करके देंगे आप, ठीक है? इंशाल्लाह। हमारे व्यूवर्स का खास ख्याल रखिएगा। बिल्कुल इंशाल्लाह, आपके व्यूवर्स का काफ़ी ध्यान रखेंगे और काफ़ी खुश होकर ही जाएंगे इंशाल्लाह ताला। चले नमान, बहुत शुक्रिया, जज़ाकअल्लाह। तो व्यूवर्स, ये थी एक ब्रीडिंग बॉक्स की वीडियो जो हमने आपके खिदमत में पेश करी। आज हमने यहाँ पे मुख्तलिफ ब्रीडिंग बॉक्स देखे, जिसमें हमने ग्रे पैरेट के देखे, रिंग नेक के देखे और मकाओ वगैरह के देखे। तो अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं परचेस करने में तो आप लोग नुमान साहब से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, साथ साथ एम्बी ट्रेडर से भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं आप लोग। एम्बी ट्रेडर से अगर कोई एक दो परचेस करना चाहता है तो वो एम्बी ट्रेडर से कॉन्टैक्ट करे, और अगर कोई बल्क में परचेस करना चाहता है तो वो डायरेक्ट नुमान साहब से कॉन्टैक्ट कर सकता है। और जैसे कि इन्होंने बताया कि इंशाल्लाह मार्केट रेट से कम में ही मिलेंगे, तो आप इनसे कॉन्टैक्ट करेंगे तो आपको अच्छी प्राइस मिलेगी। तो उम्मीद करता हूं कि प्रोग्राम आप व्यूवर्स को पसंद आया होगा। अगर आप लोग चाहते हैं कि इसी किस्म के प्रोग्राम आप लोग के लिए करते रहें तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन का बटन दबाएं ताकि आने वाली हर नई वीडियो आप तक पहले पहुंचे। इंशाल्लाह हमारी टीम नेक्स्ट प्रोग्राम के साथ आपकी खिदमत में फिर हाजिर होगी। जब तक के लिए अल्लाह ताला आप तमाम व्यूवर्स को अपने हिफ्ज़ अमान में रखे, आप लोग को अल्लाह ताला आप लोग के अहले खाना के साथ खुश रखे। आमीन, जज़ाकअल्लाह, अल्लाह हाफिज़।